देखिए, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स जो कि फेवर करते हैं कि एग्जामिनेशंस को कैंसिल कराया जाए इस साल, और कुछ ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स जो कि फेवर करते हैं एग्जामिनेशंस को करवाने के सितंबर मंथ में। तो यार, दोनों ही पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, और जितने भी पॉइंट मैं आपको बताऊंगा सारे के सारे फैक्ट्स पर डिपेंडेंट है, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो कि फेक न्यूज़ है, सारी की सारी फैक्ट्स है। और मैं आपको आशा करता हूँ कि आपके जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पहला पॉइंट बताता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंडिकेट करता है एग्जामिनेशंस को करवाने को लेकर। किसी ने गाइडलाइन निकाली है कि सितंबर मंथ में जितने भी फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन बचे हैं, मतलब पूरे इंडिया में जितने भी यूनिवर्सिटी है, सारे के सारे बच्चों को वहां पर फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन देने के लिए सितंबर में बोला गया है, और सितंबर मंथ में जो है चाह रहे हैं एग्जामिनेशन करवा ले सारी की सारी। तो सितंबर मंथ जो है फाइनल मंथ आप बोल सकते हैं गवर्नमेंट का, क्योंकि इसी मंथ में आपके जेई और नीट भी कराए जाएंगे, और उसी के साथ साथ फाइनल ईयर की जो एग्जामिनेशन है वो भी कराई जा सकती है। तो यार, ये जो हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट किस तरह से अपनी जो है बैक ऑफ द माइंड उनकी क्या स्ट्रेटजी चल रही है। और मैं आपको दूसरा पॉइंट बताना चाहता हूँ कि दूसरा पॉइंट जो है वो यूपीएससी को लेकर के। तो यूपीएससी एग्जामिनेशन आपको पता है कितनी बड़ी एग्जामिनेशन है, तो यूपीएससी की जो एग्जामिनेशन है ये 4 अक्टूबर को रखी गई है। तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड गवर्नमेंट के यही चल रहा है कि सितंबर और अक्टूबर मंथ में सारी की सारी एग्जामिनेशन को करवा, और यूपीएससी एग्जामिनेशन जो होने वाली है 4 अक्टूबर को। तो यार, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट हमें इंडिकेट करता है कि किस तरह से गवर्नमेंट के माइंड में चल रहा है कि वो लोग एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवा सकते हैं सेफली। तो ये भी हमारे लिए एक देखने वाला पॉइंट होता है। और जो तीसरी बात मैं आपको बताना वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखें कि जो यूपी का स्टेट है वहाँ पर, यूपी के स्टेट में वहाँ पर इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके हैं। तो यार, इंटरव्यू प्रोसेस जो है स्टार्ट हो चुका है, गवर्नमेंट जो वैकेंसीज निकलती है उसके बाद जो इंटरव्यू होता है वो भी स्टार्ट हो चुका है। तो ये हमें बताता है कि गवर्नमेंट की सोच क्या चल रही है इस टाइम पर, क्योंकि गवर्नमेंट अभी ये सोच रही है कि सितंबर और अक्टूबर मंथ तक हमें सारे एग्जामिनेशंस और सारे इंटरव्यूज, गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट सब कुछ करवाना है। तो यार, ये भी हमें एक न्यूज़ मिलती है कि किस तरह से जो है एक यूपी के स्टेट में इंटरव्यूज़ की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। और चौथी बात मैं आपको बताऊँ तो जो सेंटर सिलेक्शन है, तो सेंटर सिलेक्शन भी आपको पता होगा कि ओपन कर दिया है जेई और नीट के लिए, ताकि आप अपने अपने पास वाला जो सेंटर है वो आप सिलेक्ट कर सकें। तो यार, ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है जो हमें बताती है कि किस तरह से एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया जा सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे नेगेटिव फैक्ट्स जो कि हमें इंडिकेट करते हैं कि इस साल एग्जामिनेशन कराना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो फैक्ट है वो खुद एमआईटी यूनिवर्सिटी से आ रहा है। तो एमआईटी यूनिवर्सिटी जो है आपको पता है बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है, और इनकी जो रिसर्च होती है वो उसे सब लोग फैक्ट्स मानते हैं, और वो कहीं ना कहीं हम ट्रू मानते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है तो कुछ सोच समझ के इन्होंने फैक्ट्स और रिसर्च करी होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन लोगों ने प्रिडिक्ट करा है कि इंडिया में पर डे की अगर हम बात करें, हर दिन 2.87 लाख केसेस आएंगे आने वाले टाइम में, अगर जब सेकंड पीक जब आएगा। और इनके हिसाब से जो सेकंड पीक है वो बहुत ही जल्द आने वाला है, क्योंकि देखिए अब जो सेकंड पीक आएगा उसमें आप देख सकते हैं कि 2.87 लाख केसेस पर डे आएंगे। तो यार, इस सिचुएशन में तो एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से सेकंड फैक्ट जो है, सेकंड फैक्ट ये है कि पटना में आपको पता होगा ये बहुत ही फेमस केस है, क्योंकि पटना में 350 लोग की एक गैदरिंग हुई थी एक शादी करवाने के लिए, और उसमें से 100 से भी ज़्यादा लोग जो है वो इन्फेक्टिव निकले और कोरोना पॉजिटिव निकले। तो ये एक जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब सिर्फ 300 लोग की जब मतलब 300 लोग जब जाते हैं किसी फंक्शन में, उसमें से 100 से ज़्यादा लोग पॉजिटिव निकलते हैं, तो जब 16 लाख से 17 लाख बच्चे एग्जामिनेशन देंगे तो उसमें से कितने लोग पॉजिटिव निकल सकते हैं। तो यार, ये हमें सोचने वाला पॉइंट है। और तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है सीबीएसई की तरफ से। तो अगला जो पॉइंट है वो सीबीएसई की तरफ से है। तो सीबीएसई के जो एग्जामिनेशन थे उसे कैंसिल कर दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई ने पहले डिसाइड करा था कि जो मतलब जो बच्चा है उसके पास ही कहीं सेंटर बना के उसकी एग्जामिनेशन ले लेंगे, पर उन्हें पता चला कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अब एग्जामिनेशन कराना पॉसिबल नहीं है। तो सीबीएसई ने अपनी सारी एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया था। और मैं आपको बताऊं कि एक इंडिकेट करता है पॉजिटिव पॉइंट, क्योंकि जब सीबीएसई जो एग्जामिनेशन है वो भी गवर्नमेंट को ही करानी है, और अप्रॉक्सीमेटली उतने ही बच्चे जो है जेई और नीट में ही बैठेंगे। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के माइंड में ही चल रहा है कि हम सेफली अगर कंडक्ट नहीं करा सकते तो हमें एग्जामिनेशन को कैंसिल करना पड़ सकता है, पर कोई ना कोई ऑप्शन जरूर निकलेगा, क्योंकि इतनी बड़ी एग्जामिनेशन है जेई और नीट, और इतनी बड़ी जो फौज हमारी गवर्नमेंट की मतलब एम्प्लॉयज़ और जो निकलते हैं इंजीनियर्स और डॉक्टर्स, तो इतने बड़े नंबर को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के माइंड में यही चल रहा है कि एग्जामिनेशन को करवाना चाहिए, पर एक ना एक मतलब उनके दिमाग में ये भी चल रहा है बैक ऑफ द माइंड कि किसी भी तरह से अगर हम एग्जाम सितंबर मंथ में करवा लें तो बहुत अच्छा होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि सीबीएसई एग्जामिनेशन कैंसिल हो चुकी है। अब आपको जो मेन न्यूज़ बताता हूँ कि अमिताभ बच्चन जो है उनको भी एक जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए अमिताभ बच्चन के साथ साथ।
तो यार इतने हाई प्रोफाइल केसेस जब पॉजिटिव निकलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि एक जो कॉमन मैन है उसके पास इतनी सारी उसके पास चीज़ें भी नहीं है और इतना वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते कि वो सारे का सारा इलाज भी करा ले। तो यार ये काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग बात है कि इतने सेफ्टी में रहने वाले लोग को जब ये पॉजिटिव हो सकते हैं तो फिर जब 16 लाख से 17 लाख बच्चे एग्ज़ाम देने जाएंगे तो फिर किस तरह से हम इंश्योर कर सकते हैं कि किसी को भी कोरोना ट्रांसमिशन ना हो। तो यार यही कुछ पॉइंट्स थे फैक्ट्स के बेसिस पे मैंने आपसे बात करी, नेगेटिव पॉइंट्स और पॉजिटिव पॉइंट्स। आपको क्या लगता है कि एग्जामिनेशन कैंसिल होगी या फिर एग्जामिनेशन पोस्टपोन होगा या फिर एग्जामिनेशन को सेफली कंडक्ट कराएंगे? आपको क्या लगता है, क्या हमारी गवर्नमेंट ऐसा करवा सकती है और क्या हमें इतनी कैपेबिलिटी है कि हम 16 लाख बच्चों को एक जगह मैनेज कर पाएँ? तो क्या होगा आगे हम आपको पूरा बताएंगे, जो भी डिसीजन आएगा गवर्नमेंट की तरफ से वो मैं आपको बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए।